गुड इवनिंग सर। हेलो सर, आपका माइक म्यूट है। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके गुड इवनिंग एवरीवन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट द सेशन। यस सर प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेयर वी स्टॉप यस्टरडे, आई मेड द एक्सरसाइज ऑफ कंपटीशन। जो पेज है हमारे पास, आप शेयर कीजिए वो पेज आज की डेट का जिसमें नंबर 3 डाला हुआ है। हाँ, हाँ सर कर। नंबर 3 वाला। हाँ सर पेज मैंने शेयर कर दिया है। ओके, मेरे को पास अपना ओरिजिनल पेपर है, मेरे को अभी देखना है। लेकिन इज इट विजिबल टू ऑल, पूछ लो सभी को। आपको है ना विजिबल? हेलो, प्लीज गिव अ थम्स अप इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। आई थिंक विजिबल है। हाँ सर स्क्रीन विजिबल है। हाँ, जो हमने कल एग्जांपल दी थी, के जो ओपिनियन है वो डिसएग्री अनसर्टेन एग्री में था। डिस्ट्रीब्यूशन और उधर उसमें मेल और फीमेल में था। जो आपको ब्लू में नंबर दिख रहा है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, जो डाटा है, ओरिजिनल डाटा हमारे पास। और जो एफई है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो लाल में दिखाई दे रहा है। और कंपटीशन ऑफ एफई कल हम बात कर रहे थे, रो टोटल एंड टू कॉलम टोटल अपन ग्रैंड टोटल से हमने करा हुआ है। तो वो कंपटीशन के प्रोसेस से आपको आई थिंक क्लियर है सारे। जैसे पहले में हमने मेल के लिए कर रखा है 100 इंटू 160 अपॉन 370। इस तरीके से 100 इंटू 210, फिर 140 से बड़ा आ गया, फिर उसके बाद 130 बड़े आ गए। तो फिर हमने एफओ माइनस एफई करा, वो आ गया ब्लू में कंपटीशन प्रोसेस है, उसमें रिजल्टेंट वैल्यू रेड में दिखाई गई है और कैस्कर वैल्यू हमारे पास 9.61 आ गए। जो रेड वैल्यू है उनको टोटल करेंगे तो वो हमारे पास कैस्कर वैल्यू आ गया है, जिसको हम कहते हैं ये 9.61 कंप्यूटर वैल्यू है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कैसे बनेगी? रो माइनस वन इंटू कॉलम माइनस वन, 3 माइनस 1 2 माइनस 1 तो 2। और 2 के ऊपर जो का स्क्वायर वैल्यू है फॉर डी एफ टू, 0.5 के लिए 5.991, 0.1 के लिए है वो 9.210। जब हम कंप्यूटर वैल्यू को टेबल वैल्यू से देख रहे हैं तो जो 9.210 टेबल वैल्यू है 0.1 लेवल पे, उससे हमारी कंप्यूटर वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी है। तो इसलिए ये वैल्यू 0.1 पे सिग्निफिकेंट है। 0.1 पे सिग्निफिकेंट होने का मतलब हो गया है कि काइस्कर वैल्यू चाहिए लेंगे। थोड़ा सिंपल पकौड़ा, वेज पकौड़ा। वो सिग्निफिकेंट जब 0.1 पे हो गया तो जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंस इन ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स एनी साइकोलॉजिकल इश्यू। ओपिनियन जो होता है इन टर्म्स ऑफ 3 कैटेगरी, डिसएग्री, अनसर्टन और एग्री, और जेंडर में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ भी वर्ड मैं रिलेशनशिप यूज कर रहा हूँ, लेकिन रिलेशनशिप वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो यूज द वर्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन और रिलेशनशिप में क्या अंतर है इसकी बात हम थोड़ी बाद में कर लेंगे। लेकिन हम इसको रिलेशनशिप को और एसोसिएशन को एक जैसा यूज कर लेते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है।
टू नलहाई फोर्सेज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जेंडर एंड ओपिनियन को हमने रिजेक्ट किया है एट 01 लेवल। जैसे बात हमारे पास आएगी कि जो हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू है ये कितनी कितनी सिग्निफिकेंट है, 01 भी सिग्निफिकेंट होगी लेकिन कितनी सिग्निफिकेंट है या इसका रिजल्ट कितना पावरफुल है, तो ये दो बातें हम थोड़ी आज कर पाएंगे अगर टाइम ठीक लग गया, कि पावर ऑफ द टेस्ट और जो है इफेक्ट साइज, दो बातें जो इसमें नजर आएंगी आपके पार्ट में, अगर आज कर पाएंगे नहीं उसको नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। So now if the chi-square value turns out to be significant, this means there is significant association between opinion of students and gender. अब इसको आगे जहां तक तो ठीक हो गया, अब आगे इसका मीनिंग क्या बनाना है वो जो इंटरप्रिटेशन है वो अगर आप पेज उल्टाएंगे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 4। हाँ Yes, जो हाँ तो उसमें जो मैंने रिजल्ट वैल्यू लिखी है पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर पिछले पेज पे आएंगे। द फीमेल आउट नंबर मेल इन डिसएग्रीमेंट एंड इन अनसर्टेन ग्रुप्स, के फीमेल स्टूडेंट्स का गिनती डिसएग्रीमेंट में या अनसर्टेन में ज्यादा है मेल के मुकाबले में, जबकि मेल की गिनती फीमेल से ज्यादा है एग्रीमेंट। आप पहले पे फिर आइए पेज 3 पे आ जाइए, पेज 3 पे आ जाइए, जो कॉलम 1 है डिसएग्रीमेंट का, तो उसमें 100 स्टूडेंट है, 100 में से 60 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं, इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ डिसएग्रीइंग स्टूडेंट्स एज फीमेल ग्रुप। जो अनसर्टन है 140 में से 90 लड़कियां हैं 50 लड़के हैं, वहां भी लड़कियों का नंबर लड़कों से ज्यादा है, और एग्रीमेंट में 130 में से 65 पे आपका 50% हो रहा है, 70 पर स्टूडेंट हैं जो एग्रीमेंट में मेल वाले, जबकि 60 स्टूडेंट फीमेल जो हैं डिसएग्री एग्रीमेंट में है। इसका तात्पर्य ये बन रहा है कि लड़कियों की गिनती डिसएग्रीमेंट में और अनसर्टन ग्रुप्स में ज़्यादा दिख रही है, जबकि लड़कों की गिनती एग्रीमेंट में दिख रही है। ये संबंध बन के आ रहा है कि लड़के होंगे तो वो ओपिनियन एग्रीमेंट की ओर दिख रहा है, लड़कियों का डिसएग्रीमेंट की ओर दिख रहा है। दिस इज द वे हाउ वी मेक एन इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। हमने परसेंटेज निकाली लेकिन उसको परसेंटेज में हम लिख सकते हैं जब हमने इसको लिखना, क्योंकि जहाँ नंबर मैंने 0 फिगर से रखा, जो हमारे पास डाटा आता है जरूरी नहीं है कोई 0 नंबर पे आए। फिर मैंने इसको आपको जो ये आपका 2x3 का कंटिजेंसी टेबल था, 2x3 का इसको मैंने एक्सटेंड किया, मैंने इसमें से जो डिसएग्रीमेंट वाले हैं और एग्रीमेंट वाले हैं 40 और 60, 70 और 60, इनको मैंने 2x2 के कंटिजेंसी टेबल में ले आया। डिसएग्रीमेंट करने वाले 100 स्टूडेंट थे और एग्रीमेंट करने वाले 130 से, ये नंबर मैंने वहीं से पिकअप किया है पिछली एग्जांपल से। मैडम पेज नंबर 2 पे आ जाइए दोबारा से, 4 नंबर, सॉरी जो 2 है आज का, हाँ 4 नंबर, ये सब पेज नंबर आ गया ना। हाँ तो आप देखेंगे डिसएग्रीमेंट में 100 स्टूडेंट में से 40 मेल हैं 60 फीमेल है, जो हमने पिछले टेबल में भी देख रहे थे, और एग्रीमेंट में 70 मेल हैं और 60 फीमेल हैं। अब हमारे पास सैंपल 230 का रह गया है और 2x2 के कंटेंसी टेबल में मेल की गिनती 110 है, फीमेल की गिनती 120 है। अब इस टेबल को अगर हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो आपको देख पढ़ने में ये नजर आएगा कि मेल की 110 की गिनती में एग्रीमेंट वाले 70 स्टूडेंट हैं, मेल स्टूडेंट जबकि 40 डिसएग्री कर रहे हैं, उधर फीमेल जो का नंबर जो ज्यादा है 120 है, उसमें से 50-50% 60-60 डिसएग्रीमेंट में एग्रीमेंट में। इसका मतलब जो फीमेल ग्रुप है वो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में इक्वली डिवाइडेड है, जबकि मेल ग्रुप में ज्यादा डोमिनेंस किसकी है, एग्रीमेंट ग्रुप की है।
अब जो एग्रीमेंट में जो मेल ज्यादा दिख रहे हैं और डिसएग्रीमेंट में फीमेल दिख रही है, अगर हम कॉलम वाइज देखते हैं कि 100 में से 60 फीमेल डिसएग्रीमेंट में दिख रही है, 100 वालों में से 130 में 70 उसमें दिख रहे हैं एग्रीमेंट में, क्या दोनों में कोई संबंध है? तो उस संबंध को देखने के लिए हमने काई स्क्वायर का यूज किया। अब इसमें जो फॉर्मुलेशन है, जो ABCD वाले फार्मूले की हमने करी है, कोई नंबर काफी बड़ा है, चारों सेल में इसमें गेट स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें केवल की मात्र क्या बात आ रही है? केवल मात्र इसमें AD-BC/A+B, A+B+D, A+C, B+D ये चार टोटल को हमने किया है जो डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, और न्यूमरेटर में हमारे को 230 एन है हमारे पास, 14 × 60 AD है, 60 × 70 BD। तो इसको जब जजमेंट वैल्यू हमने कंप्यूट करी है काई स्क्वायर की, तो ये 4.30 आ गई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होएगा इसमें? वन रो माइनस वन इंटू कॉलम माइनस वन, 2 - 1 और इंटू 2 - 1, तो 1DF के ऊपर काई स्क्वायर का वैल्यू आप पढ़ रहे होंगे इसमें 3.84 और 6.635 है। अब ये इसका मतलब 4.30 की वैल्यू करो शुरू, 4.30 की वैल्यू जो 0.5 लेवल की वैल्यू है उससे बड़ी है, इसका मतलब है ये अब सिग्निफिकेंट हो रहा है। किस लेवल पे? 0.5। दिस इंडिकेट्स, अब वही बात, वो बात जो ऊपर लिखी थी हमने वही बात आ रही है, दिस इंडिकेट्स फीमेल स्टूडेंट्स आउट नंबर मेल स्टूडेंट्स इन डिसएग्रीमेंट वेयर मेल आर मोर इन एग्रीमेंट। आई थिंक आप लोगों को ये मीनिंग काई स्क्वायर का समझ आने लग गया होगा कि काई स्क्वायर के रिजल्ट की जो स्टैटिस्टिक्स आ गई है उसको जब सिग्निफिकेंस में लेके आना है तो हमने नंबर के हिसाब से उसमें रीडिंग करनी है टेबल के बीच में जाकर, कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाई कर रहे हैं या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही रह रही है। अब हम देखें जब रो टोटल में देख रहे हैं तो भी हमको वही बात नजर आ रही है, जबकि कॉलम टोटल में देख रहे हैं तब भी बात वही नजर आ रही है। तो ये हमारा 2 × 2 का और या 2 × 3 का दो इलास्ट्रेशन जो हमारी काई स्क्वायर में हमने कंज्यूम करनी थी ये आपके साथ मैंने शेयर करी है। इसके ऊपर मैं अभी चाहता हूँ कि जो हमारा कंप्यूटेशनल पार्ट है या कोई और बात है इसके आप बात कर लें, फिर हम आगे बात करेंगे। हेलो, हेलो। हाँ, अब इनसे स्कॉलर से क्वेश्चन ले लीजिए, जो अभी तक हमने कंप्यूटेशन करी है और इंटरप्रिटेशन करी है इसका कोई उनको क्वेश्चन है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। सो प्लीज अगर किसी का इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हो तो आप अपना टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, या आप अनम्यूट करके अपने आप को बोल भी सकते हैं। इतने में कोई कोई क्वेश्चन आता है तो आप ही पूछोगे, आपको क्या समझ आया? हेलो, हाँ सर। हाँ, जो मैंने इंटरप्रिटेशन करके दी है उसमें कोई आपका क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो ख्याल में? सर अभी तो नहीं, थोड़ा सा बैठ करके उसको दोबारा देखना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन पुटअप हो सके। एनीवन इन द ऑडियंस? प्लीज पुट अप योर क्वेरीज।
ओके सर, एक क्वेश्चन है. प्लीज मेक अप अ AP7 इंटरप्रिटेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट. बोलिए। हेलो, मेक अप अ AP7 इंटरप्रिटेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट. क्या मतलब बना इसका? आकाश प्लीज, अगर आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं तो इट विल बी बेटर. कुछ नहीं दे रहे बोल रहे। हाँ हाँ सर, मैं चाह रहा था कि आप एक एपीए स्टाइल जो होता है 7th में, वो काई स्क्वायर को इंटरप्रिटेस कैसे करेंगे, अगर मैं किसी टेस्ट किसी रिसर्च पेपर में लिख रहा हूँ तो उसका एक नहीं, फॉर्मेट. एपी स्टाइल में कैश करके इंटरप्रिटेशन लग। एक मिनट, आशीष हो आप? हाँ आशीष, आकाश। यस सर, हेलो आकाश पांडे. आकाश पांडे सर. आकाश, जी सर. प्रकाश पांडे। एपी स्टाइल ने कोई इंटरप्रिटेशन का स्टाइल दिया है? हम तो काइस्केर को, कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का, उसको तो हम सिग्निफिकेंस देखना है और उसके बाद उसका मीनिंग बताना है कि सिग्निफिकेंस अगर आता है तो मीनिंग, इसका मतलब डिपेंडेंस हो गया ना, इंडिपेंडेंस से वो डिपेंडेंस पे आ गया है। तो डिपेंडेंस तो हम टेबल्स देखेंगे, उसमें एपी स्टाइल कहाँ से आ गया? Will you explain, Mr. सर Kash? जैसे काई सर काई स्क्वायर टेस्ट अगर परफॉर्म किया गया है तो सर उसको इंटरप्रिटेट तो करना हाँ पड़ेगा ना कि हमने क्या क्या किया. जैसे टी टेस्ट करते हैं सर तो एक इंटरप्रिटेशन देते हैं लाइक दिस. नहीं, आपको स्टेप्स चाहिए या इंटरप्रिटेशन चाहिए? हेलो सर मैं अरे समझ मैं कह नहीं रहा हूँ, पाया आपको सर. स्टेप्स चाहिए हैं या इंटरप्रिटेशन चाहिए? सर आप इंटरप्रिटेशन मतलब इंटरप्रिटेशन चाहते हैं या स्टेप्स चाहते हैं? स्टेप्स ऑफ का इसके सर इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे. जैसे सर टी टेस्ट करते हैं तो हाँ टी डीएफ इक्वल टू टी की वैल्यू नहीं, फिर बाद में. हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखिए सर मैं क्या. आपको अपने इसी को जो आपको, हाँ जो आप बात पूछना चाह रहे हैं, जो हमने काई स्क्वायर वैल्यू कंप्यूट करी है वहां तक आपको ठीक है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, उसमें कोई इश्यूज नहीं है. नहीं आकाश जी, वो कोई इशू कोई नहीं है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनती है जी, इस पे कोई इशू नहीं है? यस सर. डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा जो पहले एग्जाम्पल सॉल्व करी थी 2 to 3 में, वो 2 आती है, वो क्लियर है उस पॉइंट तक? डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 बनी है, कैसे बनी है ये क्लियर है कि नहीं है आकाश जी? एक एक स्टेप सर. चलते जाए ना हम। यस सर. यस सर. डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ओके यस सर. ओके। ओके 2 पे जो टेबल वैल्यू है काई स्क्वायर टेबल से, जो वैल्यू देखी है मैंने, लिखी है कि काई स्क्वायर टेबल मैंने आपको एक दी थी किताबों में, आपको काई स्क्वायर टेबल और भी नजर आएंगे, लेकिन हम स्टैटिस्टिकली 2 लेवल पे देखते हैं, 0.5 और 0.1। देखो और यस लेवल सर. भी है जिसपे देखते हैं, यस सर. 2 ही लेवल है ना, 0.5 और 0.1। तो 0.5 यस पे सर. 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5.991 है, और जो ओके 9.210, जिस क्लियर है इस बात जहां तक? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर ओके है. हो गया, जहां क्लियर है। अब हमने क्या करें, जो कंप्यूटर वैल्यू है उसको हम जो टेबल वैल्यू है उससे कंपेयर करते हैं। यस हमारी सर. वैल्यू 9.61 आई है, हम देखेंगे कि 9.61 इनसे बड़ी है, जस 0.1 की वैल्यू से वो बड़ी है, वही मैंने लिखा है ना, द कंप्यूटर यस सर. काई स्क्वायर वैल्यू 9.61 इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू फॉर DF2, लिखा है ना? यस सर. लिखा हुआ है ना नीचे मेरा? हाँ, हाँ यस सर. तो इसका मतलब क्या, ये सिग्निफिकेंट हो गया है एट 0.01 लेवल, हो गया सिग्निफिकेंट? यस सर. सिग्निफिकेंट हो गया तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, यस सर. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया ना? हाँ यस सर. आप ये पूछो रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि डाइवर्जेंस जो हुआ है वो डाइवर्जेंस ज्यादा है चांस फैक्टर से। यस सर. डाइवर्जेंस समझते ना, एफओ माइनस एफपी में डाइवर्जेंस है, 0 हो जाएगी, कम होगी, काई स्क्वायर वैल्यू कम होगी।
यस सर। और अगर काइस्कर वैल्यू कंप्यूटर वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी हो गई है वो सिग्निफिकेंट कहलाएगी। इट क्लियर? हेलो मैडम, हेलो। हाँ सर आकाश प्लीज आप रिप्लाई करें सर को। हाँ रिप्लाई करते जाए ना पॉइंट बाय पॉइंट, साइलेंट में ना जाए। अगर काइस्कर वैल्यू कंप्यूटर वैल्यू से कंप्यूटर वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी तो वो सिग्निफिकेंट कहलाती है। यस सर। यहाँ यस और नो? यस सर। हाँ अगर वो अब सिग्निफिकेंट हो गया इसका मतलब है जो नल हाइपोथेसिस है काइस्कर की बुनियाद नल हाइपोथेसिस है। काइस्कर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप को नहीं मानता है। जब ये सिग्निफिकेंट आ गया इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आया हुआ है ओपिनियन में वो एक जैसा नहीं है, वो उसमें अंतर है। देन वी आर रीडिंग इन टू द टेबल, जो टेबल पर डाटा का है, जो 100 विद्यार्थी डिसएग्रीमेंट में है उसमें 60 लड़कियां हैं 40 लड़के हैं। इसमें लड़कियां कहाँ ज्यादा है आपका, कहाँ पे ज्यादा है? लड़कियां आपका डिसएग्रीमेंट ग्रुप में ज्यादा है और एग्रीमेंट में लड़के ज्यादा है, अनसर्टन में भी लड़कियां ज्यादा है। तो जो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है लिटिल ग्रुप में जो इन्फेरेंस है जो कंक्लूजन है वो इन्फेरेंस ये है कि लड़कियों की गिनती लड़कों से ज्यादा है डिसएग्रीमेंट वाले सेगमेंट में, जबकि लड़कों की गिनती ज्यादा कहाँ पे है एग्रीमेंट के सेगमेंट में। यही इंटरप्रिटेशन है काइस्केयर की और कोई नहीं हो सकती। ओके सर। मैंने सिर्फ नंबर से बोला है, इसको हम परसेंटेज में बोल सकते। ओके सर। लड़कियों का नंबर लड़कों ज्यादा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ विजिबल है। जो टेबल का डाटा है डाटा से, हाँ जब हमने उसी को बिल्कुल 2x2 के टेबल में लेके गए हैं सेकंड पेज पे जो पेज नंबर 4 है मेरा लिखा हुआ, उसमें अनसर्टन को हमने हटा दिया, अनसर्टन की कैटेगरी को हटा के इसको 2x2 में कन्वर्ट कर दिया फॉर क्लैरिटी। अब का इसके टेस्ट आपका 2x2 का डिसएग्रीमेंट और जेंडर के बीच में है, वही 100 में से 60 लड़कियां हैं जो डिसएग्रीमेंट में, 130 एग्रीमेंट वालों में से 70 लड़के हैं। इसका जो ट्विस्ट है या नंबर है एग्रीमेंट में लड़कों को फेवर कर रहा है और डिसएग्रीमेंट में नंबर लड़कियों को फेवर कर रहा है। दिस द डाइवर्जेंस फ्रॉम द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जेंडर का ओपिनियन के साथ रिश्ता है, डिसएग्रीमेंट में लड़कियां ज्यादा हैं और एग्रीमेंट में लड़के ज्यादा। कुछ डेटा आपका नॉमिनल स्केल पे है तो नॉमिनल स्केल के डेटा की इंटरप्रिटेशन नंबर और परसेंटेज से होगी और कोई माध्यम नहीं है। टी में मीन से होगी, काइस्केर की वैल्यू नंबर और परसेंटेज या प्रोपोर्शन से होगी। प्रकाश जी कोई और बात इसमें आपकी आप ऐड करना चाहें? समझे जो डाटा हमारा नॉन पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स नंबर और परसेंटेज पे चलती है, तो नंबर तो टेबल में आया ना, स्टैटिस्टिक्स स्टेप्स आ गए हैं, वैल्यू आ गई है, उसका इन्फेरेंस ड्रा करने का स्टेट्स में यही एक साधन है कि फॉर द गिवन डी एफ टेबल वैल्यू होगी, टेबल वैल्यू के अगेंस्ट हमारी वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा, उसे कम होगी नॉट सिग्निफिकेंट है, ज्यादा है तो वो सिग्निफिकेंट। फिर हम टेबल के अंदर वैल्यू को रीड करके हम देखते हैं। आकाश जी आपको बहुत रिसर्च पेपर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे वो कह देते हैं टी इज सिग्निफिकेंट, लेकिन ये नहीं बता पाते कि किस ग्रुप का मीन हायर है किसका लोअर है, आपको बहुत जगह लिखा नहीं मिलेगा। तो हमको मुड़के टेबल में वैल्यू पढ़नी पड़ती है कि वैल्यू किसकी हायर है किसकी लोअर है, उस वैल्यू को हम साथ में लेके चलते हैं। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर। या एपीए स्टाइल इसमें कोई ऐसी बात है? राइटिंग स्टाइल है एपीए का कोई ऐसा स्टाइल नहीं है, आपने इन्फर जो करना है अगर फीस में लिखेंगे आप एपी का रिजल्ट, एपी का नहीं सॉरी काइस्कर का रिजल्ट, उसमें आप पूरे टेबल को एक्सप्लेन करेंगे फिर आप काइस्कर की स्टैटिस्टिक्स को बोलेंगे। जबकि हम रिसर्च पेपर में जब जाते हैं रिसर्च पेपर लिखते वक्त जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हम उसकी टेबल और उसका स्टैटिस्टिक्स एक वैल्यू डाटा और स्टैटिस्टिक्स एक टेबल में देकर फिर हम उसका जो इन्फ्लुएंशियल पार्ट है उसको ही हाईलाइट करते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। और
रिसर्च पेपर में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगी, रिजल्ट देखेगा, रिजल्ट का स्टैटिस्टिक्स देखेगा और स्टैटिस्टिक्स की सिग्निफिकेंस देखेगी और सिग्निफिकेंस के साथ ही उसका मीनिंग नजर आएगा। मीनिंग हम लोगों ने बनाना है, रिसर्चर का दायित्व है कि मीनिंग क्या बन के आता है। आई थिंक आकाश जी कुछ बात आपको ठीक लगी? आकाश आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। उस बात को हम कभी मेरी वॉइस ठीक है अब? आप ना अगर आईपी स्टाइल में कैच कर लिखने का कुछ चीज आपको कहीं पड़ी है आपने मेरे को लिख के भेजना, लेट मी चेक के वो आप क्या समझना चाहते हैं, एपी स्टाइल कहाँ इंटरप्रिटेशन में काम आता है। एपी स्टाइल ऑफ थीसिस राइटिंग तो सभी जगह एक जैसा ही होएगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो आपकी अपने डाटे की होएगी ना, ना स्टाइल आपको कोई अलग से नहीं मिलेगा। हेलो हाँ सर हेलो हाँ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। जो जो अभी नेक्स्ट मैंने भेजा था पेज उसको आप ले आइए स्क्रीन पे। यस सर एक सेकंड। सर आप पेज नंबर बता देंगे? वो 19 तारीख डाली है उसमें इंटेलिजेंस के स्कोर है, अचीवमेंट है हेडिंग के ऊपर। ओके सर इसके बाद वाला पेज है। यस आई थिंक यही रीजन। हाँ इंटेलिजेंस का लिखा मिल रहा है, ऊपर अचीवमेंट लिखा मिल रहा है। हाँ सर दिख रहा है ना पूरा? हाँ सर हाँ देखिए जहाँ हाँ ये अनग्रुप्ड डाटा है, मैंने कुछ बातें नहीं करी थी। अब मैं अपने पूरी जो एनालिसिस ऑफ डाटा है उसके दो पार्ट को मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। अगर आप उसके लेफ्ट मार्जिन में देखेंगे क्या लिखा गया पढ़ के सुना सकती हो? सर इंटेलिजेंस के इसी पेज के नीचे? लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा हुआ है। नहीं नहीं उधर जो मैंने एक लाइन लिखी हुई है ना उसके नीचे नहीं, एंड का स्केयर ये मैंने लिखा है अलग से। और जो मैंने डेटा सेट दे रखा है वो सब मैंने कोलेशन कंप्लीट करा है, प्रोडक्ट मोमेंट कोलेशन। अगर आपको याद हो हमने शुरू में शायद करा भी था स्टेप, मैंने वो रिवीजन में लेके गया हूँ उसको और उसी से लिंकेज इसका मैं का स्केयर से और नोवा से करना चाहता हूँ। जो हमारे पास सैंपल है वो 11 स्टूडेंट्स का है, एन इसमें 11 है, मैं लिखा नहीं लेकिन एन 11 है। तो मैंने जो स्कोर है जो इंटेलिजेंस पे स्कोर जाए स्टूडेंट के उनकी रेंज 0 से 30 तक का था जो मेरा टूल था, और उनमें मेरी मेजरमेंट्स जो आई हैं 5 से लेकर 22 तक आया हुआ है। हमने पहले भी ये बात करी थी कि जब हमारे पास कोई भी आंकड़े आएंगे किसी भी टेस्ट के दौरान उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी जो स्कूल के अंदर से आएगी, कि जो ऑब्टेन डाटा है उसकी वैल्यू आपको एक तरफ से नजर आएंगी जैसे इसमें नजर आ रही हैं। एक मिनिमम स्कोर हमारे पास 5 दिख रहा है और मैक्सिमम स्कोर 22 दिख रहा है इंटेलिजेंस के केस में, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अचीवमेंट हम जो अकेडमिक अचीवमेंट है विद्यार्थियों की उसको वाई से रिप्रेजेंट किया है, वो हमारा 10 नंबर का पेपर था, 0 से 10 तक स्कोर है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो 0 से 10 वाली रेंज में मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रही है, 2 के 3 जगह 9 वैल्यू आ रही है। तो इसका मेरे को 2 डेटाबेस लग देने का 2 मंतव है कि जैसे जैसे जी डेटा बड़ा होता जाएगा अली नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं इसको एक्सटेंड करूंगा
ये अनग्रुप डाटा से एक केस एनालिसिस किया है हमने। अनग्रुप डाटा से आप मीनिंग समझते होंगे, कल हमने बात करी थी डाटा, डाटा के चार सेट बन के आते हैं, चाहे नॉमिनल से बन के आए, जो काइस्केर है वो नॉमिनल डाटा को डील करता है, अभी हम उसको डील कर रहे थे, नंबर ऑफ परसेंटेज, या ऑर्डिनल डाटा है, ऑर्डिनल स्केल का हमने यूज नहीं करी थी कहीं पे, लेकिन ओपिनियन जो ले रहे हैं वो एक तरीके से उसको हम मान सकते हैं, ओपिनियन या एटीट्यूड है वो डिग्री ऑफ फेवरेबलनेस को देखता है, तो उसको हम ऑर्डिनल में भी रखते हैं, कई बार बोलते हैं, लेकिन इतना इतना नहीं है। हाँ, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक का जो कंटिन्यूम है मिनिमम टू मैक्सिमम चला जाता है 1 to 5। जब हम थर्ड स्केल में आते हैं जो इंटरवल स्केल का डाटा है जिसको हम अभी देख रहे हैं, तो उसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है। तो कोई भी हम टेस्ट लगाएंगे पर्सनैलिटी का, मोटिवेशन का, या किसी भी मेजरमेंट को लेके आएंगे, तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपके सैंपल से नजर आएंगी, जैसे अभी हमारे को नजर आ रही है 5 से 22 और 2 से 9। मैंने उसको टोटल कर दिया 132, मीन 12 बन के आ गया उसका। शायद यहाँ पे आप टोटल करके देख लेंगे, कोई गलती होगी तो चेक कर लेना। फिर हमने डिवीशन ली है, मीन से डिवीशन ली है, वो नेक्स्ट कॉलम में ली है जिसको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और जब स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया है तो नीचे अगर मैंने टोटल करा समेशन एक्स का वो 0 है। क्या ये भी आपको याद होगा, हमने बात करी थी, याद रखने की बात है, सम ऑफ डिवीशन फ्रॉम एक्चुअल मीन विल ऑलवेज बी 0। कोई कुछ वैल्यू मीन से छोटी होगी, कुछ वैल्यू मीन के बड़ी होंगी, कोई वैल्यू मीन के बराबर भी हो सकती है, तो सम टोटल ऑफ डिवीशन फ्रॉम मीन विल ऑलवेज बी 0। फिर उनका स्केयर करा है, और स्केयर करके अगर नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीशन को मैंने SDB लिखा है, और ली करके सिग्मा का साइन दे के एक्स साथ में डाल रहा है कि एक्स डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आया है, तो वो सिग्मा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन किया है। जब सैंपल साइज छोटा होता है, स्टैटिस्टिकली 30 से नीचे के सैंपल को हम छोटा मान के चलते हैं, तो अगर एन आपका सैंपल साइज 30 से छोटा है तो एन माइनस वन से हम कंपटीशन करते हैं स्टैंडर्ड डिवीशन की, तो उसका स्टैंडर्ड डिवीशन बन के आ गया 4.626, मीन है 12। सिमिलरली अचीवमेंट स्कोर में भी हमारे पास जो मीन आया है वो 6 आया है, और सम ऑफ डिवीशन फ्रॉम मीन इज 0 वो दिख रहा है, तो फिर स्केल कर रहे हैं वहां से स्टैंडर्ड डिवीशन बन के आ गया 2.49। तो ये स्टैटिस्टिक्स की बेसिक फाउंडेशन है, जहाँ पे हमारे पास डाटा थोड़े विद्यार्थियों से या सब्जेक्ट से आता है तो हम उसको सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, जिसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। जैसे जैसे ग्रुप को बड़ा एन साइज बड़ा होता जाता है, 30 से क्रॉस कर गया तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल बनानी शुरू कर देगा, तो कुछ वैल्यू उसमें रेपिटेशन में आएंगी, वहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जो कल बात कर रहे थे कि तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी या नॉन नॉर्मल होगी, नॉन नॉर्मल होगी तो स्क्यूड भी हो सकती है, उसमें कुटोसिस भी हो सकता है, वो बाई मॉडल या मल्टी मॉडल भी हो सकती है। वैल्यू कैसे आएगी डाटा हमको नहीं पता, लेकिन एस्टिमेट ही होता है कि डाटा इस तरीके से आना है। तो फिर मैंने जो कोरिलेशन के लिए फार्मूला यूज किया, पहले मेरे को गलती हो रही थी, मैंने वो काट के लिखा हुआ है, तो 108 हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, वो मैंने बीच में डाला हुआ एक्स वाई का, तो प्रोडक्ट स्मॉल एक्स वाई का, नेगेटिव साइन को ध्यान रखते हुए एक्स वाई का प्रोडक्ट का आया, तो वो 106 बन कर आता है, और फार्मूला नीचे लगा दिया है। अगर आपको जब मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लास्ट टाइम लिखा था फार्मूला समेशन एक्स वाई स्मॉल में, और नीचे सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर, तो वैल्यू हमारे पास 214 और 62 की है। जब उसका सॉल्यूशन करा गया तो 0.92 आ गया, कोरिलेशन की वैल्यू 0.92 प्लस में है,
अब इसका हमने मीनिंग देखना है, तो मीनिंग कैसे देखेंगे, तो वंस अगेन जो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए हमारे को, तो इसके केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस टू है। तो आपको पहले राउंड में वो टेबल कोलेशन वाला टेबल दिया था, बंक के मैंने देख के टू वैल्यू लिखी 11-2 नौ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, 0.5 की वैल्यू 0.553 है, 0.1 की वैल्यू 0.683 है। तो अगेन अवर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ 0.92 इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू एट 0.01 लेवल फॉर गिवन डीएफ ऑफ 9 जो सिग्निफिकेंट है। दिस मीन्स कि देयर इज अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट। जब हम कोलिशन निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अलग क्वेश्चन आ जाता है कॉज इफेक्ट का। तो वी ऑल नो, आई अज्यूम दैट वी ऑल नो दैट इंटेलिजेंस इज अ मेजर फैक्टर इन अचीवमेंट और एकेडमिक सक्सेस। तो अचीवमेंट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंस इज द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर अचीवमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन इंटेलिजेंस। ये अगर हमने रिग्रेशन एनालिसिस करना होगा तो पहला रिग्रेशन इक्वेशन जैसे बन के आएगा वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको मैं नेक्स्ट राउंड में इसका सॉल्यूशन आपको परीक्षण का करके दो फार्मूले आपको साथ शेयर करूंगा जब हम नेक्स्ट सेशन ले रहे होंगे, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग का और उसके पेपर राइटिंग के साथ है। तो वहां पे जो अभी एपी का सवाल भी आ गया तो वो बात फिर आएगी वहां पे, और वहाँ उसका एक पार्ट में मैं उस डाटा को डील करूंगा जो इस कोलिशन के आगे हमने प्रेडिक्शन करनी है कि मेरा किसी विद्यार्थी का अचीवमेंट लेवल अगर नोन वैल्यू से ज्यादा है या आगे पीछे है तो उसकी अचीवमेंट कितनी हो सकती है। प्रेडिक्टिंग एकेडमिक अचीवमेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस फ्रॉम दिस डाटा सेट, तो ये कोलिशन का आ गया। अब मेरे लिए सवाल ये पैदा हो गया क्या ये डाटा सेट जो दो वेरिएबल हमारे इंटेलिजेंस के और अचीवमेंट में जो कंटिन्यू सीरीज पे थे, इनको मैं इस कोलिशन के अलावा और किस मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे को इमीडिएटली दो सवाल आते हैं कि आई कैन गो फॉर काई स्क्वायर और आई कैन गो फॉर वन वे नोवा। और ये आप लोगों के लिए सवाल है, कोई मेरे को बता सकता है, सजेस्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है कि मैंने इस डेटा सेट में वन वे नोवा लगाना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। आपके लिए सवाल है नंदनी। यस सर। हाँ ये मैं अब पोलिशन से नहीं देखना चाहता, मैं किसे देखना चाहता। हाँ मैं चाहे अभी नहीं करते हैं, मैं इसको पोलिशन से नहीं सॉल्व करना चाहता था। आई वांट टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ वन वे नोवा और विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर। ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल नहीं है, ये एग्जांपल मैंने बना रखी है, आज आपसे शेयर नहीं करूंगा, आज आपसे मैं कुछ एक बातें इसके साथ करूंगा, इसका सलूशन का नेक्स्ट लेक्चर में हम शेयर करेंगे कुछ बातें इसके लिए। कोई आपको कैसे लगता है, अगर आप मेरे को कोई लीड दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर अपनी कैसे करना आपको मैं बता रहा हूँ, बताइए अंदनी। यस सर। एक हिंट मैं दे रहा हूँ नंदनी। हाँ सर। नंदनी हेलो। हाँ सर प्लीज। जो इंटेलिजेंस स्कोर है, इंटेलिजेंस स्कोर आ गया कोई आंसर? हाँ नहीं सर, हिंट बताएं आप। क्या आया?
नंदनी हेल्प करो मेरे को। सर आप हिंट दे रहे थे वो नंदनी बता दीजिए। हाँ, मैं जो इंटेलिजेंस स्कोर है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंटेलिजेंस का, उसको मैं कैटेगोरिकल में लेके जाना चाहता हूँ, हाई एवरेज लो में। हाँ सर, मैं किन स्टूडेंट्स को हाई ग्रुप में रख सकता हूँ? मेरे को तीन स्टूडेंट नजर आ रहे हैं जो हाई ग्रुप में जा सकते हैं। कौन कौन से? 20 20 वाला, 18 वाला और 22 वाला। तीन 22। स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंटेलिजेंस स्कोर ठीक है ना? हाँ सर, दिख रहे हैं ना नंदनी? हैं, हाँ इनका अचीवमेंट कितना कितना है? 20 वाले का अचीवमेंट 9 है, 18 वाले का कितना है? 9 है, 22 वाले का कितना है? 9 है। क्या किसी और स्टूडेंट को मैं हाई इंटेलिजेंट में रख सकता हूँ? नंदनी दिख रहा है ना? तीन तीन स्टूडेंट तो आ गए हाई इंटेलिजेंट में, ठीक हाँ सर, इनके है, बाद अगर हमें ओके है। रखना हो तो हम 12 वाले को रख सकते हैं। नहीं, 12 तो मीन है, एवरेज वैल्यू है, वो तो एवरेज में आएगा ना, समझ गए आप? हेलो, हाँ सर, जो वैल्यू मीन के आसपास होएगी वो एवरेज में होगा कि हाई में जाएगा? तो वो तो एवरेज में रहेगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब एवरेज वाले हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हम वो पहचान ले दो तीन जो लो में है। लो में कौन कौन जाएंगे? 5 वाला चले जाएगा ना? हाँ हेलो, हाँ सर, पांच वाला पांच, चला गया, फिर 6 वाला भी चला गया, छ, 5 चला आठ, गया, 6 भी चला गया और 8। हाँ भाई, चांस है कि 3 इसमें भी आ गए, 3 लो में आ गए ना। तो इनकी अचीवमेंट लेवल कितना कितना है? 5 वाले का कितना है? 2। 6 वाले का कितना है स्कोर? 5। पांच, और 8 वाले का, 8 वाले कितना स्कोर है? 4। 4। 2 5 4 स्कोर आया उनका अचीवमेंट का, और जो हाई में आए 9 9 9। हो गया। अब जो बचे कौन से हैं? 10 11 12 वाले। जो 10 11 12 वाले हैं ये एवरेज में आएंगे, एवरेज में आएंगे ना, मीन के आसपास है ना ये वैल्यू। मीन हमारा कितना है? 12। नंदनी बेटे हाँ आज सर, भी हाँ क्लियर हो एवरेज के ऑब्वियस? पास हाँ, रहेंगे। यस सर, 10 वाला भी एवरेज में है, फिर 10 वाला फिर एवरेज में है, 12 वाला भी एवरेज में होगा ही, फिर 10 वाला भी एवरेज में है और 11 वाला भी एवरेज। एवरेज ग्रुप में 5 आ गए। वी हैव आइडेंटिफाइड 5 स्टूडेंट्स हु आर इन द एवरेज ग्रुप। हो गए ना 5? यस सर, तो उनका अचीवमेंट कितना 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 है? एवरेज वालों का 10 वाले का कितना स्कोर है? 8। दिख रही हो ना साथ में? 8 हाँ है, सर, फिर हाँ 10 वाले का कितना है? 5, फिर 10 है, फिर 8 है ना, 10 वाले का 8 है, फिर अगले 10 वाले का 5 है, पांच, फिर 12 वाले का कितना है? 4 है, चार, 8, 5 4। हाँ, फिर शाबाश, आगे 10 का फिर 4 आ गया, फिर यस सर, 7। यस सर, इसका मतलब जो एवरेज के 5 स्टूडेंट हैं उनका, उनके अचीवमेंट स्कोर कौन कौन से हैं? 8, 5, 4, 4, 7। ठीक हो गया। जी इसका मतलब क्या है कि हाई इंटेलिजेंस, ये क्रूड मेथड है भाई, क्रूड मेथड है इन द सेंस कि हमने हायरार्किकल ऑर्डर में आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि 3 स्टूडेंट हाई ग्रुप में जा रहे हैं, विजिबली 3 ही हाई में जाएंगे, विजिबली 3 ही लो में जाएंगे, बाकी 5 किस में रहेंगे? एवरेज में रहेंगे। जो मीन के आसपास है वो एवरेज ग्रुप है। मीन्स जो बिल्कुल टॉप वाले हैं वो कौन से हैं? हाई ग्रुप है। जो बॉटम वाले हैं वो कौन सा? लो ग्रुप है।
तो जब हमने कल भी बात करी थी, इससे पहले बात करते, हाई अभी लो ग्रुप कैसे बन के आएंगे, जिनका स्कोर हाई होगा स्केल के ऊपर वो हाई होंगे, जिनका सबसे कम होगा वो लो होंगे, जो मीन के आसपास होंगे वो कौन से होंगे, एवरेज। हमने अपने 11 के सैंपल को इंटेलिजेंस के स्कोर के आधार पर तीन ग्रुपों में डिवाइड कर लिया है। हाई इंटेलिजेंट जिसमें 3 स्टूडेंट हैं, एवरेज इंटेलिजेंट 5 स्टूडेंट हैं, और 3 स्टूडेंट कौन से हैं फिर जो लो इंटेलिजेंट के। तो दिस इज हाउ वी नाउ वी आर वी रेडी फॉर वन वे नोवा। हाई इंटेलिजेंट का अचीवमेंट स्कोर मेरे पास है, एवरेज का अचीवमेंट स्कोर मेरे पास है, और दो वालों का अचीवमेंट स्कोर का मेरे पास है। कैन आई यूज वन वे नोवा नाउ? यस सर। बताइए, निकल आएगा ना वन वे नोवा? हाँ सर। ये आपके लिए होमवर्क है, ये वन वे नोवा सॉल्व करोगे आप लोग। हाँ, एक बात होगी, आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, हाई ग्रुप का मीन कितना बन के, अगर आप मोटे रूप में देखें, हाई ग्रुप का मोटे रूप में देखें, स्पष्ट देख रहा है, हाई ग्रुप का मीन कितना बन के आ रहा है, 9। देखिए नंदनी जी। जी सर। नंदनी जी सर, हाई ग्रुप में तीनों स्टूडेंट का स्कोर, इट इज ए कोइंसिडेंस के 999 आ गया, यही मीन है, यही मीन है ना फिर, है? हाँ। और स्टैंडर्ड वेशन होगी इसकी, स्टैंडर्ड वेशन बनेगी इसकी। देखिए बड़ा आपको जो बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अपनी ऑडियंस से पूछिए क्या स्टैंडर्ड वेशन बनेगी, हाई इंटेलिजेंस ग्रुप का वेरिएबिलिटी बनेगा आप चैट बॉक्स में के? हाई इंटेलिजेंस स्टूडेंट में वेरिएबिलिटी है अचीवमेंट पे या नहीं है? हेलो नंदनी। हेलो हेलो नंदनी। हाँ सर, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए वेरिएबिलिटी है कि नहीं है। इफ ऑल वैल्यूज लाई एट मीन देयर इज नो वेरिएबिलिटी, जी स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी जीरो। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, कितनी होगी इसकी, जीरो होगी ना, जीरो जीरो। हाँ, मीन 9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, जीरो। किसी अब आपके स्कॉलर के लिए कि जीरो जीरो क्या स्टैंडर्ड में जीरो हो सकती है, आपको मैंने एक सलूशन दे दिया, यस देयर इज पॉसिबिलिटी कि हमारे सैंपल में कोई ऐसा ग्रुप बन सकता है जिसमें सब वैल्यूज एक जैसी आ जाएं और वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो सकता है, होना जरूरी नहीं है, 0 हो सकता है, प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, अगर लो इंटेलिजेंट में आ जाइए, एवरेज को बाद में देखते हैं, उसमें स्कोर वैल्यू कितनी है, हम जे 9 मीन किस पे आया है, हाई इंटेलिजेंट का अचीवमेंट आया है, मीन किस पे आया है जे अचीवमेंट पे, रिमेम्बर इट, मीन किस पे आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जो लो इंटेलिजेंट में कितने स्टूडेंट है, 3 है, इसका अचीवमेंट 2 है, 5 है, 4 है, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 बटा 3 कितना हो जाएगा, 3.67। नंदनी। हाँ सर। नंदनी मेरे को हेल्प कर रही हो ना? हाँ जी सर। 3.67 आ गया ना मीन उसका। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ सकती है, अभी हमने जो फॉर्मूला करा था, मीन से डिवीजन लेंगे हम तीनों वैल्यू का, एन माइनस वन करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, निकल आएगी ना जी। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक हो गया जी सर। अब एवरेज इंटेलिजेंस में देखिए, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, 17 4
21 और 7 28, 28 हुआ टोटल, जी 28 अपॉन 5 कितना हो गया 5.6। 5.6, वेरी गुड। अगर हम टोटल करें 27 है वहां पे, 28 है, फिर 11 आया है, टोटल कितना हो गया जी 27 66। प्लस 28 प्लस 11 उधर 66 ही है ना टोटल हमारा, पिछले अचीवमेंट का जो टोटल है सिग्मा वाई 66 है ना। हेलो नंदनी, नंदनी सुन रही हो मेरी बात? सर जो आपकी वॉइस अचीवमेंट क्लियर में नहीं आ रही है। सिग्मा वाई है वो 66 है ना, 66 है ना, वो 66 है ना वहां भी। जब आप लोगों से रिस्पॉन्स नहीं आती मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। नंदनी आप ही हाँ कर दिया करो, हेलो, टोटल 66 है। हेलो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, हेलो नंदनी, हाँ सर अब क्लियर है। हेलो आवाज आ रही है ना? हाँ सर अब क्लियर है। ओके तो 66 है ना टोटल, तो हाँ हमने जब सर 27 प्लस 28, 28 और 11 इनको टोटल करा तो हमारा डाटा चेकआउट हो गया ना कि टोटल वैल्यू हमने पहले कंप्यूट करी थी वही टोटल बन रहा है। इट ओके okay? यस सर तो ओवरऑल मीन कितना आया था हमारे पास 6.00। हाँ ओवरऑल मीन कितना था 6.60। सिक्स पॉइंट यस सर लो ग्रुप का मीन कितना आया, लो ग्रुप का मीन कितना आया 2 3.67। लो ग्रुप का मीन 3.67 आया था ना। 6-7 यस सर हेलो हाँ सर हाँ सर हेलो हाँ, और एवरेज ग्रुप का मीन कितना है 5.6। ओके, और हाई यस ग्रुप सर का मीन कितना है 9, नाइन लो का मीन है 3.67, एवरेज का है 5.6, और 9 मीन है किसका हाई ग्रुप हाई का का, और तीनों का एवरेज कितना है 6, तीनों का एवरेज कितना है 6.00। तो हमने एक बात पहले कह रही थी सेंट्रल लिमिट थ्योरम में कि जो हम हमारे पास डिफरेंट मीन जाएंगे मीनों का मीन सेंटर में आएगा, तो 6.0 से दो वैल्यू नीचे हैं और एक ऊपर है। अगर हमारे पास और भी डेटाबेस में किस ग्रुप बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ मीन ग्रुपों के मीन एवरेज वैल्यू से कम होंगे कुछ के ज्यादा होंगे। अब जहां से आप वी कैन गो फॉर वन बे नोवा एंड पोस्ट हॉक टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन लो एंड एवरेज, लो एंड हाई, हाई एवरेज एंड हाई तीन ग्रुप बन के आ गए ना ये नंदी, तीन ग्रुप्स बन के आ गए ना। जी सर तो जो मेन डिफरेंस है आपके पास तीन मेन डिफरेंस आएंगे, यूजली कंपेयरिंग हाई इंटेलिजेंट विद लो एवरेज इंटेलिजेंट एंड हाई इंटेलिजेंट विद लो इंटेलिजेंट ऑन देयर अचीवमेंट, और एवरेज अचीवमेंट को हम कंपेयर करेंगे किसके ऊपर उसके साथ लो के साथ ऑन अचीवमेंट। मतलब एक बार 9 को कंपेयर करेंगे 5.6 से, 9 को कंपेयर करेंगे 3.67 से, और 5.6 को कंपेयर करेंगे 3.67 से।
तो वन वे इनोवा हो गया ना अब। यस आर यू सर, क्लियर कि हमने अपने डाटा में जो कोलिशन निकाला था उस कोलिशन के साथ हम नेल्सन वेरियंस वन वे का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपको एक 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 ही डाटा से दो तरीके से नेल्सन करके बता दिया। अब अगली बात सुनिए, अगर लो का मीन कम है, एवरेज का उससे ज्यादा है और हाई का उससे ज्यादा है, क्या कहेंगे? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट, मोर द इंटेलिजेंट मोर विल बी द अचीवमेंट, यही कहा था ना कोरिलेशन में। यस सर, हेलो, हाँ सर, हेलो, यही कहा था ना हमने। हाँ तो वही जो नोवा का रिजल्ट है मीन डिफरेंस पे निकल के आया, तो वो कोरिलेशन से वही वैल्यू निकल के आ रही है और आपका वन वे नोवा से भी वही निकल के आ रही है। नो डॉट वन वे नोवा के साथ अब हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, वो आपका पोस्ट हॉक एनालिसिस से तीनों को मीन डिफरेंस का सिग्निफिकेंस को चेकआउट कर सकते हैं, जो हमने गैरेट की बुक से 8 ग्रुपों वाला करा था, वही फॉर्मुलेशन यहाँ पे यूज हो जाएगा। यहाँ तक ठीक हो गया जी अंदरी, सर, यहाँ तक ओके हो गया ना? जी अब आप मेरे को हेल्प करिए दूसरी बात पे, जी जो अचीवमेंट का डाटा है वाई स्कोर है ना हमारे पास, हाँ वाई स्कोर में लो किसको कहेंगे? पहले स्कूल को लो में चला गया ना, हाँ जिसका 2 नंबर है वो लो में चला गया ना। हाँ सर, 4 वाले को भी हम जिसका 4 है उसको भी लो रख लें, हाँ रख लेते हैं। 6 मीन है ना, ठीक हो यस गया। सर, 1 4 और 2 4 3 है, 4 वाले इनको हमने लो में डाल दिया। इसके मतलब लो अचीवर कितने हो गए हमारे पास? 3 चार चार हो चार हो गए, गए, चार हो गए, चार हो गए। कौन कौन सा? पहला स्टूडेंट हो गया, पहला स्टूडेंट आया, फिर कौन सा आया? पांचवा आया। फिर यस सर, पांचवा, पांचवे के फिर बाद कौन आठवा, सा आया? आठवें नंबर पे हाँ हाँ आगे। और नौवें नंबर पे, 8वें पे आया, 9वें पे। ये 4 स्टूडेंट आपके कौन से हो गए? लो अचीवर हो गए हैं। लो में हो गए। तो हाई अचीवर कौन सा बना? हाई अचीवर कौन से होंगे? 9 नंबर, 9, 8 आठ भी हो गया, फिर 9 फिर है एक वो भी हो गया, 9 एक और है वो भी हाई में, चल 4 हो गए ना। कौन कौन से? 2 नंबर, दूसरा नंबर, 3 नंबर तीसरा नंबर, और छह 3 नंबर, नंबर 6 नंबर, हाँ और 11वां नंबर। और 11 नंबर, 11 नंबर, हाँ। मतलब 4 हमारे पास किसमें हो गए? लो में, 4 ही चले गए, 4 हाई अचीवर हैं और 4 ही हो गए लो अचीवर। और जो आपका 5 वाला है 4 नंबर पे, ये किसमें चला गया? एवरेज अचीवर में। एवरेज, एवरेज अचीवर में, और एवरेज में कौन सा आ गया? 7 नंबर। 7वें नंबर पे 5, और कौन सा आ गया? 10 नंबर, 10 है, 3 हो हाँ गए सर, ना ये। हाँ सर, तो हमारे सैंपल में हाई अचीवर कितने आए? हाई अचीवर 4 आए, एवरेज अचीवर 3 आए और लो अचीवर कितने आए? 4, 3, 4, 4, 4 सर, 4 3 4 ऐसे आए ना। हाँ हाँ, मेरे को ये बताइए जो तीनों हाई इंटेलिजेंट के स्टूडेंट थे 9 9 9 वाले, उनका अचीवमेंट में स्टेटस क्या है ना? 22 22 18 वाले, सॉरी 22 वाला था ना, 22 वाला, 20 वाला और 18 वाला, 3 स्टूडेंट थे ना हाई में, हाँ हाई सर, इंटेलिजेंट में 3 थे ना। हाँ 20 वाला कहाँ जा रहा है हाई में? 3 नंबर हाई में गया ना, हाई इंटेलिजेंट है वो, हाई अचीवर है, हाँ और ठीक हो गया। हमारे पास 18 नंबर था, 6 नंबर पे, 6 नंबर किसमें गया? हाई
हाई इंटेलिजेंट है, वो भी हाई हाई है। अचीवर में गया। हाँ सर, हाँ, मतलब जो हाई इंटेलिजेंट ग्रुप है उसमें जो हाई अचीवर आ रहे हैं कौन कौन से आ गए? एक, नहीं, 3 नंबर आ गया। तीन नंबर, हाई इंटेलिजेंट ने हाई अचीवर कौन सा आ गया? हाँ, छह शाबाश, नंबर 6 नंबर। हाँ और जी, 11 नंबर, और 11वां नंबर। हाँ, जो हाई इंटेलिजेंट 3 स्टूडेंट थे वो तीनों ही कौन है? हाई अचीवर है ना? यस सर। हाँ, अब आ जाओ, जो आपके पास एवरेज अचीवर है ना, एवरेज हाँ इंटेलिजेंट है, सॉरी, एवरेज इंटेलिजेंट कौन कौन से थे? 2 नंबर। 2 नंबर का अचीवमेंट लेवल क्या है? 10। हाँ, उसका 2 नंबर। हाँ, 10 है, नहीं, 10 एवरेज इंटेलिजेंट है, उसका अचीवमेंट लेवल क्या है? 5। आठ। हाँ, किसको? नहीं, अचीवमेंट लेवल क्या है उसका? हाई में रखा ना उसको, एवरेज हाँ सर, उसको हाई में रखा गया है। इंटेलिजेंट वाला एक स्कूल किसमें है? हाई हाई अचीवर में। और उसके बाद कौन सा था? 4 नंबर। 4 नंबर कहाँ गया? एवरेज में। एवरेज में गया ना, हाँ एवरेज अचीवमेंट में। नेक्स्ट आ जाइए। और कौन सा था हाई इंटेल, एवरेज इंटेलिजेंट? 2 नंबर भी हो गया, 4 नंबर भी हो गया, 5 नंबर कहाँ गया? लो में। सर, सर हर्षदीप ने हैंड रेस किया है, हम पूछ लेते हैं उनसे उनकी क्या प्रॉब्लम है। एक नहीं, देखिए पार्टिसिपेंट ने ना, अपना हैंड रेस किया है, जो हाई शायद वो कुछ इंटेलिजेंट पूछना चाहते था हैं। 8 2 नंबर वाला। हेलो, हाँ, क्या गौरव बोलिए? सर किसी ने हैंड रेस किया है, हम उनसे पूछ लेते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ हर्षदीप, प्लीज आप बोलिए, आपको क्या इश्यू है। हर्षदीप, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। सवाल लग रहे हैं। मिनट और बस, ओके सर, आप प्लीज 5 मिनट। आगे बढ़ाइए। हाँ, आगे बढ़ाएंगे ना, कोई ना, उनको कह रहे चैट बॉक्स में डाल दें, कन्वीन होगा हाँ कोई सर, ना कोई। तो जो हम तो उसी सीरियल आउट में चल रहे हैं, जो 2 नंबर पे हमारे हाई इंटेलिजेंट था वो किस में गया? हाई अचीवर में। 2 नंबर हाई अचीवर में गया ना, और हाँ सर, फिर हमारे पास 4 नंबर एवरेज इंटेलिजेंस में था, वो किस में गया? एवरेज में गया 4 नंबर। इसके बाद 5 नंबर कहाँ गया? 5 नंबर जैसे 12 था उसका इंटेलिजेंस, और अचीवमेंट उसका है 4, वो किसमें गया? लो में गया। 5 नंबर लो में चला गया ना, हाँ हाई इंटेलिजेंट है लेकिन, एवरेज इंटेलिजेंट है लेकिन कहाँ चला गया? वो लो अचीवमेंट में। लो में चला गया। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास कौन सा स्टूडेंट आया जो एवरेज इंटेलिजेंट है? 8 नंबर। 8 नंबर कहाँ जा रहा है? वो भी लो में जा रहा है। यस सर। वो लो में चला गया ना। हाँ, और एक और है, अब 9 नंबर। 9 नंबर भी कहाँ जा रहा है? लो में। लो में। हाँ, देखिए बच्चे, नंदनी, वी आर क्लियर कि जो हाई इंटेलिजेंट वाले हैं तो वो हाई अचीवर में ही है तीनों स्टूडेंट, एग्रीड? और उनमें कोई भी एवरेज अचीवर में और लो अचीवर में नहीं था, इज इट ओके? यस सर। मैं अब नंदनी आपसे पूछ रहा हूँ, जो हाई इंटेलिजेंट के 3 स्टूडेंट थे तीनों ही हाई अचीवर हैं, एवरेज अचीवर में कोई नहीं है, लो अचीवर में कोई नहीं है, क्लियर हो यस गया ना ये सर। बात? हाँ सर, हाँ सर, ये क्लियर है। और एवरेज इंटेलिजेंट में 5 लोग थे, उन 5 में से एक हाई अचीवर है, एक एवरेज अचीवर है,
और तीन लो कौन है? लो अचीवर। लो अचीवर ये भी क्लियर है? यस सर। हाँ, और जो लो इंटेलिजेंट के तीन स्टूडेंट थे वो उनका स्टेटस क्या है? तीन नंबर में जो है कौन से आएंगे? लो इंटेलिजेंट में तीन कौन सा आया है? पांच, एक नंबर। एक नंबर कहाँ पे है नंदनी? हाँ सर, एक नंबर कहाँ जाएगा जी? लो इंटेलिजेंट है और लो अचीवर में रहेगा ना, लो अचीवर में जाएगा। पहला नंबर लो अचीवर। हाँ, लो अचीवर। और फिर उसके बाद है हमारे पास लो अचीवर और कौन सा था? सात नंबर। सात सर नंबर था ना? छठा नंबर। हाँ, छठा नंबर। वो कहाँ गया? एवरेज में। हाँ एवरेज में गया ना। हाँ, अब एक और है, नौ नंबर। नौ नंबर कहाँ गया? लो में गया। लो में गया ना? हाँ सर, नौवा नंबर लो में। आपने पहली रो में तीन हाई, आपके पास तीन रो में वैल्यू, आगे किसकी रो में हम वैल्यू रख रहे हैं? हाई इंटेलिजेंट की कॉलम रख रहे हैं तीन, हाई अचीवर, एवरेज अचीवर और लो अचीवर। नंदनी, अब ये हमारा यस क्रॉस सर टेबुलेशन हो गया है कंप्लीट। अब इसको अपने जी। हाथ से लिखिए। जो पहला कॉलम है हाई अचीवर का है, कॉलम यस वन सर। है। दूसरा कॉलम हो गया एवरेज अचीवर का, तीसरा किसका हो गया? लो अचीवर का। यस सर। और उसके नीचे लेफ्ट मार्जिन में हम लिखेंगे हाई इंटेलिजेंट। हाई इंटेलिजेंट में तीनों स्टूडेंट आपके हाई इंटेलिजेंट वाले कहाँ आए हैं? हाई अचीवर में। उसके एवरेज अचीवर में 0 हो गया, लो में 0 हो गया, और टोटल कितना हो गया? 3 हो गया ना रो टोटल। यस रो टोटल 3। ओके, पहली रो हाई इंटेलिजेंट की। सेकंड रो कौन सी किसकी आएगी? एवरेज इंटेलिजेंस की। तो एवरेज। एवरेज इंटेलिजेंस में, हाँ, एवरेज इंटेलिजेंस में हाई अचीवर में 1 आया। यस हाई सर। हाई इंटेलिजेंट ग्रुप में सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में 1 आया नंबर। एवरेज यस सर। अचीवर में भी 1 आया, एक और आया तीन और कहाँ गए? लो में लो तीन अचीवर। आ गया। यस सर। पांच। और लो टोटल कितना हो गया? पांच, पांच हो गया। मतलब फर्स्ट रो का टोटल हाई इंटेलिजेंट की फर्स्ट रो है तो वो 3 हो गया टोटल, और दूसरी रो किसकी है? एवरेज इंटेलिजेंस की, वो 5 आ गए। और तीसरी रो है लो इंटेलिजेंट। लो इंटेलिजेंट कहाँ पे है? हाई अचीवर कोई नहीं है, 0 है। एवरेज अचीवमेंट में 1 है और लो में 2 है, टोटल 3 हो गया। हो गया जी अभी ठीक? यस सर। फर्स्ट रो का टोटल 3 है, दूसरी रो का 5 है, तीसरी का 3 है। टोटल 11 स्टूडेंट हो गए ना पूरे हमारे। यस सर विजिट 11 हो गए ना टोटल। पहले जी। कॉलम में हाई अचीवर कितने हैं? हाई अचीवर कितने हमारे पास? 4 है ना। यस सर। पहला कॉलम में टोटल नीचे 4 आ गया ना। यस सर। तीन हाई इंटेलिजेंट में पड़े हैं, एक एवरेज में पड़ा हुआ है, और एवरेज अचीवर में कितना हो गया टोटल? ऊपर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। एक और चाहिए था। कितने लोग थे एवरेज अचीवर? दो ही आए ना एवरेज अचीवर, दो ही आए ना। जी सेकंड कॉलम में एवरेज अचीवमेंट में कितने आए टोटल? दो आए ना। एक टोटल, एक नंबर आया कहाँ पे? एवरेज में। एक कहाँ पे आया है? लो में। लो में। ऐसे आया ना। हाँ, हाँ टोटल कितना हो गया? 2। दो। और अब लो थर्ड कॉलम में चले जाइए, लो अचीवर। लो अचीवर में 0 है, फिर 1 है,
जीरो है, फिर एक है, फिर चार है, जीरो है, फिर चार है, फिर दो है, दो है ना, फिर नीचे यस सर, दो और चार छह और एक सात हो गई, नहीं यस सर, लो जी, फिर ऊपर कितने आए थे, दो आए थे ना, दो, दो पे ऊपर है ना, जीरो है ऊपर, जीरो ना, दो वाला मतलब एक हुआ ना, वो सीरियल नंबर, लो जी हाई इंटेलिजेंट, पहली हाई इंटेलिजेंट की लो चीवर में कोई नहीं है ना, पहली रो में टोटल, पहली रो में लो अचीवर कोई नहीं है ना, नहीं हाँ, सेकंड रो में एवरेज इंटेलिजेंस में थर्ड कॉलम में कितने स्टूडेंट हैं, एक दो तीन चार, चार है ना, एक दो तीन चार, यस सर, तीन है, तीन है, सॉरी तीन तीन तीन, सर पांच नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर, तीन स्टूडेंट हुए ना, जी, एवरेज इंटेलिजेंस में आपके पास तीन स्टूडेंट आए हैं जो लो अचीवर में हैं, ऐसे ही आया है ना, टोटल पांच थे एवरेज अचीवर, एवरेज इंटेलिजेंट, उसमें से तीन लो इंटेलिजेंस में लो अचीवर हैं, एक उसमें है, एक उसमें है, तो जो सेकंड रो बन के आई है वो एक एक तीन की थी ना, यस सर, नहीं क्लियर है ये, सेकंड रो हाँ, एक एक एक, तीन, हाँ एक एक तीन, अब चले जाइए थर्ड रो में, जीरो एक दो, जीरो एक दो हुआ है ना उसमें, जीरो एक दो, जीरो एक दो, हाँ तीन में तीन थे ना लो इंटेलिजेंट, एक किस में गया एवरेज में, एक दो गए लो में, और लो अचीवर में कितने आ गए हैं, ऊपर कोई नहीं है, एक तीन ही आए ना लो अचीवर में, हाँ, ऊपर वाले में तीन है, हाँ अब टोटल करिए तो कितना हो गया जी, तीन और दो पांच, तीन दो पांच, लो अचीवर पांच पांच है क्लासिफिकेशन के हिसाब से, और दो किस्में आए हैं एवरेज में, चार किस्में आए हैं हाई अचीवर में, ऐसे ही आया हुआ है ना, यस चार सर, दो छह पांच 11, 11, ये 3x3 का कंटिजेंसी टेबल बन गया। नंदनी, हैव यू हाँ सर, सक्सेसफुली मेड 3x3 कंटिजेंसी टेबल? तीन कॉलम सर, किसके हैं, अचीवमेंट के हैं, हाई एवरेज एंड लो, ठीक, इट क्लियर यस सर, नंदनी, हाँ हाँ सर, तीन कॉलम आपके किसके हैं, हाई एवरेज और तीन लो कॉलम किसके हैं आपके पास, लो अचीवमेंट के हो गए ना, और तीन रोज किसकी हैं, इंटेलिजेंट की हैं, लो एवरेज इंटेलिजेंस की, हाई होगी ना, यस सर, हाँ तो जी 11 स्टूडेंट थे, जिन्हें 11 स्टूडेंट के हमारे पास इंटेलिजेंस और अचीवमेंट की जो स्कोर वैल्यू थी उनको हमने पहले हाई एवरेज लो में कर लिया, उसके बाद क्रॉस टैब में वो देख लिए कि हाई इंटेलिजेंट वाले कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लो वाले का नंबर में आ गया ना डाटा, वो फिर सैंपल हमारा बड़ा यस होगा तो जो अभी हमारे पास कितने सेल खाली पड़े हैं, हाई इंटेलिजेंट में दो सेल खाली पड़े हैं ना, हाई इंटेलिजेंट में दो कॉलम खाली थे ना जी, नंदनी, इज इट ओके, हाई इंटेलिजेंट में दो दो एवरेज और लो वाले खाने खाली है ना, यस सर, एवरेज इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस में तीनों खानों में तीनों कॉलम में वैल्यू आ गई हैं, तीनों में आ गई ना, हाँ सर, और लो इंटेलिजेंट में पहले में नहीं है वैल्यू, दूसरे में है और तीसरे में है, तीसरे में, हाई में नहीं है, एवरेज में है और लो में है, आ गई यस ना, सर, अब ये आपका 3x3 का कंटिजेंसी टेबल बन गया, जहां से क्या हम का स्केयर कंप्यूट कर सकते हैं, नंदनी आपके लिए सवाल है,
हाँ सर, अगर आर हमारे वी रेडी पास टू कंप्यूट का ये स्केल? सर अगर टेबल्स आ गई है तो वी कैन नाउ कंप्यूट। हाँ, टेबल में जहाँ नंबर 0 है उसकी एफ तो आएगी ना, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल करके एफ तो आएगी ना। यस सर। हाँ, तो दिस मीन्स एक ही डेटा सेट से हमने कोडेशन ले लिया, उसी से वन वे नोवा भी कर लिया, उसी से हमने टाइस्कर सॉल्यूशन भी लेके आ सकते हैं, ला यस सकते हैं ना। 11 का डाटा है, ये डाटा आपका 100 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। इस तरीके से हम जो अभी आकाश जी मेरे को एक सवाल कर रहे थे, जो आपका एपीए है या आपका कोई भी है, डेटा सेट को स्कॉलर को पर्सनली मैनुअली देखना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ किस ग्रुप में जा रहा है। अभी हम देख रहे थे ना कि पहला स्टूडेंट कहाँ जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है, देख रहा था ना यस सर नंदनी, ये बात समझ रहे हो मेरी इस बात को? कि द जी स्कॉलर द रिसर्चर मस्ट बी वेल एक्वाइंटेड विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ दिस सैंपल, दिस और हर सैंपल, तो उसको पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट कौन सा था। जैसे आपने मनोविज्ञान वाले तो जाते हो ना, आप अपने लैब में चले गए, हॉस्पिटल में चले गए, पेशेंट को याद रखते हो कि नहीं रखते हो अपने सब्जेक्ट को? जी है? हाँ, तो जिसमें जो काइस करके हमने आज एक्सरसाइज करी है, उस काइस्कर को मैंने लिंक करने की कोशिश करी है, तो उसको आप उसी डाटा सेट को जो हमने कोलेशन से करा था उसको हम एनालिसिस वेरिएंस से भी कर सकते हैं, नो डाउट टी टेस्ट से भी कर सकते हैं। टी टेस्ट से कैसे करना करेंगे, कोई बता देगा? नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर यस हमने इसी डाटा को केवल टी से करना हो, नोवा ना लगाना होता, मैंने तो लिखा ना कि हाउ टू गो फॉर वन वे नोवा, मैं वही लिख देता हूँ, हाउ टू गो फॉर टी टेस्ट। मैं केवल मात्र, मैं सीधे बोल रहा हूँ, अब समय को देखते हुए, आई विल बी टेकिंग अप ओनली हाई एंड लो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और उनका मीन देख लूंगा। हाई इंटेलिजेंट में मेरे पास 3 स्टूडेंट थे, लो इंटेलिजेंट में कितने थे? 4 थे। 3 और 4 का मैं मीन एसटी निकाल कर टी निकाल लगा सकता हूँ ना। यस इसका टी भी लग सकता है ना, इसका मतलब हम एक और टी भी लगा सकते हैं, हम इंस्टेड ऑफ लीविंग दी एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हम मीडियम से हाई लो ग्रुप भी बना सकते हैं। बहुत लोगों ने, आपने अपने रिसर्च पेपर कभी पढ़े पढ़ रहे होंगे, तो कईयों ने मीडियम स्प्लिट से हाई और लो बना लेते हैं। अगर सैंपल छोटा होए तो हाई और एवरेज वाले भी आपके काम मूव कर जाएंगे, आइदर इन द लो ग्रुप और इन द हाई ग्रुप। जो हमारा सैंपल है, जैसे 12 मीन आया, उस मीन को अगर हम मीडियन मान लेते हैं, तो हमारे पास जो 10 नंबर वाला है, 10 वाले दोनों लो में चले जाए, लो इंटेलिजेंट में चले जाएंगे ना, 11 वाला भी लो में चला जाएगा। तो आपका ऑलरेडी हाई में 3 थे, तो एवरेज वाले 4 स्टूडेंट में से एक बिल्कुल एवरेज पे बैठा हुआ, इसको वो रहेगा, 3 आपके उसमें चले जाएंगे, लो में चले जाएंगे। देखिए, हम हाई में 3 स्टूडेंट हैं, लो में आपके पास पहले ही 3 थे और 3 और आगे 8 और एक आप छोड़ दे, तो मैं अभी कह रहा हूँ, तो आप मीडियम पे भी हाई और लो ग्रुप बना सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, टी टेस्ट में ये कर सकते हैं, कोलेशन का हो गया, और इन्हीं 11 स्कोर को, 11 स्कोर पे कोलेशन के प्रोडक्ट मोमेंट की जगह मैं स्पीयरमैन रो भी निकाल सकता हूँ। कौन सा? स्पीयरमैन जी, रैंक डिफरेंस यस सर। नहीं लिख रही हो ना? हाँ हाँ, सर। इसमें हम स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस से भी कोलेशन निकाल सकते हैं, रो जिसको बोलते हैं, RHO रो, स्पीयरमैन का फॉर्मूला। तो इसका मतलब जितना 11 का डाटा सेट है आपका, डाटा सेट का चाहे छोटा सैंपल है बड़ा सैंपल है, आज हमने काइस्कर भी लगा के देख लिया, वन वे नोवा की तरफ भी जाया, टी टेस्ट भी जाया, कोलेशन भी कर लिया, कोलेशन में दोनों कर लिए, प्रोडक्ट मोमेंट भी और स्पीयरमैन रो भी। इसका मतलब ये है कि जितने मैंने आज 5 या 6 एनालिसिस की जो बातें करी हैं काइस्कर से जुड़ी हुई, उनका मीनिंग ये बनता है कि मेरा पर्पज ऑफ रिसर्च क्या है वो आपके ऑब्जेक्टिव से पता लगेगा, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए हाइपोथेसिस कैसे बनाया है, नंबर बेस्ड बनाऊंगा,
नंबर बेस समझते हैं, नंबर ऑफ परसेंटेज के बेस पर बनाना चाहूंगा तो मैं नॉन पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स दैट इज काइस्कर में जाऊंगा। अगर मैं आंकड़ों से मीन और एवरेज से मूव करना चाहूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में मूव करना चाहूंगा तो मैं तो टी टेस्ट से भी या अनोवा से भी सोल्यूशन कर सकता हूँ। और कोलेशन करना है तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, प्रोडक्ट मोमेंट कोलेशन भी है और रैंक डिफरेंस कोलेशन भी है। तो संभावनाएं स्कॉलर ने तलाश करनी है, उसने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उससे उसको सारा लेते हुए अपनी डिजाइन ऑफ स्टडी में फैसला करना है कि मैंने किस तकनीक को यूज करना है फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा। तो हमने कंटिन्यूस डाटा को भी आज कंटिन्यूस वे से भी सॉल्व करके देख लिया, जो पैरामीट्रिक टेक्निक दोनों थी, कोलेशन की और टी टेस्ट की और नोवा की। और रैंक डिफरेंस में आपका स्पीयरमैन रो नॉन पैरामीट्रिक में आता है, रैंक डिफरेंस से कोलेशन आप निकाल के देखिए इसका, टी टेस्ट भी लगा के देखिए और वन वे नोवा भी लगा के देखिए। ये सोल्यूशन मैं जब नेक्स्ट मीटिंग होगी उससे पहले आपको एक उसमें भेज दूंगा जो आप शेयर में कर लोगे सभी स्कॉलर के साथ। तो आज मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। दो बातें मैंने कहनी है, मैं उसका ना फॉर्मुलेशन आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम। इस टाइम मैं उसको पूरा वर्कआउट नहीं कर पाया, जो दो शब्द आप लोगों ने यूज करे गए थे वो अपने आप में फुल क्वेश्चन हैं, इफेक्ट साइज ऑफ काइस्केयर और पावर ऑफ काइस्केयर। पावर का मतलब है स्टैटिस्टिकल पावर, ये नन्नी शब्द नोट कर लीजिए, स्टैटिस्टिकल पावर। Yes. जो हम जब सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस में कहते हैं सिग्निफिकेंट है तो वो कितना सिग्निफिकेंट नहीं है, वो सिग्निफिकेंट होगा 0.5 पे। उसका सिग्निफिकेंस में जो मीन डिफरेंस है या जो हमारा जो कंफ्यूजन बन के आ रहा है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में करना कितना सही है, उस सही पन का जो अंदाजा है वो हमारे को पावर ऑफ द टेस्ट से पता लगता है। इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए, मैं भी इसका एक आपको छोटा सा नोट सुना के दूंगा। और सेकंडली जब इफेक्ट साइज कहते हैं, इफेक्ट साइज मीन डिफरेंस को देखता है और उसका वेरिएबिलिटी के साथ एक रिलेशनशिप देखकर, क्रैमर का एक फार्मूला है, एक ऑड्स रेशियो का फार्मूला है, एक फार्मूला कोई और है, उन फार्मूलों में से किसी एक का प्रयोग करके हम इफेक्ट साइज को डिटरमिन करते हैं। इफेक्ट साइज टेबल मात्र हमारे अभी इतनी बात करूंगा, वो जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है उसको हम कितना देख रहे हैं, वेरिएबिलिटी कितना देख रहे हैं। हमने अपना डेटा का जो मैं अभी बात करके हटाऊं कि एवरी स्कॉलर मस्ट बी अक्वाइंटेड विद हिज और हर डेटा जो होगा वो अपने सब्जेक्ट से लेके आया है। हमारे सब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट्स होंगे या स्कूल के हैं या कॉलेज के हैं या समाज एडल्ट सोसाइटी के हैं, मेल हैं फीमेल हैं ओल्ड एज पीपल हैं। जो मेरा डाटा है साइकोलॉजिकल रिसर्च में, जो मनोवैज्ञानिक डाटा है, वो व्यक्तियों के व्यवहार के किसी एक पहलू को मेजर कर रहा है। तो मेरे लिए व्यवहार नहीं, व्यवहार तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वो व्यक्ति भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, और उसे उस बात करने के साथ जो मैं एनालिसिस में उस व्यक्ति के लिए कोई राहत भी ढूंढ रहा हूँ, तो किस तरीके से मेरे को उस डाटे को समझना है। व्यक्ति हमारे साथ बहुत जुड़ा हुआ है, हमारा डाटा व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, तो हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। एक तो मैं ये बात, और आखिरी बात तो मैं अभी करना चाहता हूँ, वो जो आप लोगों को बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि जब हमने इंटरप्रिटेशन, जैसे काश जी ने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चाहे वो एपी को लेके आ रहे थे, पर एपी का नहीं, हर इंटरप्रिटेशन को मैंने मीनिंगफुली मीनिंग कैसे देना है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिए। एक ग्रुप का मीन 1000 है, दूसरे ग्रुप का मीन 1005 आ गया। नंदनी ध्यान से सुनना इस बात को, 1000 का मीन है और उधर 1005 है, सैंपल साइज बड़ा है, मीन डिफरेंस कितने का है, 5 का है, 5 का ही है ना दोनों में। हाँ सर। ये 1000 के मुकाबले दूसरी वैल्यू कितनी है, 1005 है, तो मीन डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, तीनों सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर मेरे पास वही मीन 100 और 105 हो जाते, अब वो 5 का जो चेंज है, 5 की जो डिफरेंस है वो 100 के ऊपर है, पहले 5 की डिफरेंस के ऊपर थी, 1000 के ऊपर थी,
जो मैग्नीट्यूड कितना, अब वो है 5 ही क्वांटिटेटिवली, वो वैल्यू 5 ही है, लेकिन अब उसका मीनिंग बदल गया है। यू फॉलो दिस पॉइंट जी सर। नंदनी? कि जो पहले ग्रुप में जहाँ 1000 और 1005 हैं, वहां पे 5 का मीन डिफरेंस है, वो 1000 के ऊपर है, तो वो उसकी वैल्यू 1000 पे 5 अगर परसेंटेज में लेके आएंगे, 5/1000 गुना 100 हो जाएगा ना, 100 के 2 जीरो कट के नीचे 5/10 रह गया, तो 0.5 का डिफरेंस बनता है फ्रॉम द लोअर वैल्यू टू द हायर वैल्यू। नाउ आई थिंक क्लियर है ये इस बात को यस। कि 1000 और 1005 में जो क्वांटिटेटिवली 0.5 का डिफरेंस दिख रहा है, उसकी मात्रा अगर हम रेफरेंस में लेके जाएंगे 1000 के में, तो 0.5 है। लेकिन वही जब 100 और 105 में आ गए, तो वही 100 की वैल्यू अब 0.5 से कितनी हो गई, 5 हो गई, उसका मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स हो गया है। समझ रहे मैग्नीट्यूड अब 10 टाइम्स। हाँ सर। नंदनी आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट। है यस सर, जो यस सर। 1000 की वैल्यू के ऊपर जो 5 का चेंज था, वो 0.5 बन के आ रहा है परसेंटेज में, जो 100 से 105 तक जा रहा है वो 5 है, वो 10 टाइम्स हो गया। अगर वही 50 और 55 हो जाए, अब 5 है ना, वो 5 की चेंज 50 के ऊपर है, 5/50 गुणा 100 कितना हो गया, 5/50 गुणा 100 10 हो गया। वही जो 5 का डिफरेंस है, एक बार उसका मैग्नीट्यूड 0.5 बन के आ रहा है रेफरेंस पॉइंट में, एक बार 5 बन के आ रहा है, अब वो कितना बन के हो गया, 10 हो गया। नाउ यू फॉलो दिस पॉइंट। यस सर। क्वांटिटेटिवली मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्टैटिस्टिक्स इज द सेम, दैट इज 5, लेकिन जब उसको हम रेफरेंस पॉइंट देखते हैं कहां से कहां तक चेंज हो रही है, तो उस 5 की वैल्यू बदल रही है, मीनिंग बदल रहा है, वैल्यू नहीं बदल रही, वैल्यू वही रह रही है न्यूमेरिकली, लेकिन उसकी जो कंप्यूटेशनल प्रोसेस में उसकी जो मात्रा है वो बदल रही है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है। और वही हम जब 10 और 15 में आ जाएंगे, तो वैल्यू कुछ और बन जाएगी, और 0 और 5 में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर एक वैल्यू 0 है, एक 5 है, नाला 0 ही है ना हमारे पास वैल्यू डिफरेंस, 0 और 5 है, तो जो 0 के ऊपर 5 का डिफरेंस देख रहा है, 5/0 गुना 100 है, तो वो इन्फिनिटी में चला गया, इसमें yes, चला गया नंदनी, इन्फिनिटी में चला गया, वो इन्फिनिटी में चला गया सर। तो डिफरेंस 5 का, ये जो जो ऑब्जर्वेशन में आंख से जो दिख रहा है, वो 5 5 5 का अंतर दिख रहा है, इन हर 5 का अंतर अपने आप में अलग अलग मीनिंग दे रहा है। Yes, तो जब हम इंटरप्रिटेशन डेटा की करते हैं, तो वी आर टू बी वेरी कॉन्शियस कि हमने किस तरीके से मीनिंग देना है, और इस मीन को जो मैग्नीट्यूड की अभी मैंने बात करी, 1000 5 का डिफरेंस 1000 पे क्या मीनिंग दे रहा है, 100 पे क्या दे रहा है, 50 पे क्या दे रहा है, 10 पे क्या देगा, और 0 पे क्या देगा, तो इसको जब हम स्टेटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी में देखते हैं, वो इफेक्ट साइज के साथ भी जा रहा है और पावर ऑफ द टेस्ट के साथ भी जा रहा है। तो उसको हम थोड़ा, मैं उसका एक आपको 1 पेज का शॉर्ट नोट बना के कुछ दिनों में प्रोवाइड करूंगा। ये बहुत अच्छा था आज का, मेरा सवाल एक ही आया चाहे आकाश का, गुड क्वेश्चन, वी विल कंटिन्यू। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज करिए हमारे स्कॉलर से। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर लगता है आज किसी का क्वेश्चन नहीं है। हाँ ओके ओके, लेकिन आपको याद करा दूँ, सभी स्कॉलर को याद करा दो कि होमवर्क दे रखा है मैंने, आज होमवर्क चेक नहीं किया गया आपका, टाइम नहीं था, वो अगली बार होमवर्क भी चेक करा जाएगा। आपने एक नेल्सन वेरियंस लगाना है, कोरिलेशन मैंने निकाल दिया था प्रोडक्ट मोमेंट, एक रैंक डिफरेंस कोरिलेशन निकालना है, एक टी टेस्ट लगाना है, एक आपने का स्क्वायर, 4 सॉल्यूशन आपने इसी डेटा से करके दिखाने हैं। मेरे आपकी ड्यूटी, आप सेशन की कोऑर्डिनेटर थी, कि आपने सभी साथियों से कहिए इनको सॉल्व करके आपको मैसेज करें, और उनका मेरे को आप भेजिए आंसर। आपकी ड्यूटी बड़ी होगी आज। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, वर्चुअली आज हम लोग, हाँ हमने जो जितने भी हमारे एमए में या
एमफिल या पीजी लेवल तक स्टडीज का बेसिक्स करते हैं, उतना आज हमने दोहराई में कर दिया सारा। यस ठीक होगी ना, थैंक यू। बाकी वो नर्स से वो हम उसके अगले स्टेप में तो बात करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। आज जितने भी आपने टॉपिक्स बताए, आई होप कि हमारे स्कॉलर्स को और न्यू कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिले होंगे। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल द ऑडियंस आल्सो फॉर कीपिंग पेशेंस टिल द लास्ट। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर 7th लेक्चर इन द सीरीज, एंड नाउ सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑन 22nd ऑफ मार्च। टिल देन कीप योर एंथुसियाज्म ऑन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। रेडी रखिए पहले से। यस प्लीज मेक श्योर कि आप नेक्स्ट सेशन में अपने होमवर्क्स कंप्लीट करके आए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं भी करके आऊंगा, आप भी करके आओ। यस सर, यस। ओके, गुड लक। थैंक यू सर, गुड लक। थैंक यू सर। आज आपको मैंने बहुत नाम पुकारा, नंदनी नंदनी है। ऐसे को भगवान को पुकारता तो भगवान ने आ जाना था। जितना भगवान को भी याद करते जितना आप लोग याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, गुड सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।